नसों की कमजोरी हो गई है, नसों में ब्लॉकेज रहता है, बार बार आपको नव पेन की शिकायत रहती है, कमर से लेकर आपके अंगूठे तक दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कभी एक पैर में दर्द रहता है, कभी दूसरे पैर में रहता है, और दर्द ये शिफ्ट होता रहता है, यानी शरीर के किसी भी अंग में नसें फरकने लगती हैं, हाथ पैर में सुन्न होने लगता है, झंझनाहट होती है, हाथ को मोड़ने में दिक्कत होता है, उंगलियों को मोड़ने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में अगर आपको तकलीफ होती है, तो ये सारी जो समस्याएं हैं नसों से जुड़ी हैं। दोस्तों, हमारे जो शरीर है इसमें हर एक अंगों में जो नसें हैं वो पूरे शरीर में फैली होती हैं, और ये जो नसें हैं, नसों का काम होता है एक से दूसरी जगह तक हमारे शरीर में खून पहुंचाना, और खून की मदद से हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो पहुंचता है, और हर एक ऑर्गन्स में ये जाती है, वहाँ पे जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाती है, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी पहुंचाती है। तो अगर नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, खून की जो प्रवाह होती है वो रुक जाती है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो जैसे सिंक होता है ना, या कोई नाले हैं, कोई पाइप है, वहाँ से पानी जा रही है और वो कचरे वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाती है, या तो वो नसें फट जाती हैं, पाइप फट जाती हैं बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर वो वहीं पर रुक जाती हैं। उसी प्रकार से नसें भी ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर या तो वो फूलने लग जाती हैं, दर्द देने लग जाती हैं, और नहीं तो वो नसों में कमजोरी आ जाती है और ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आपको इसके समाधान कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ लक्षणों के बारे में बता देती हूँ कि आप शुरुआती लक्षण आपको इस तरह से अगर हो रहा है, देखने को मिल रहा है, तो आप इसका उपचार कर सकें और कुछ घरेलू उपाय की मदद से इसे कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो इसमें लक्षण है, उसके पहले मैं बता दूंगी, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फूड साइंस न्यूट्रिशन में, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर साइंस में भी। दोस्तों, तो मैं आपको बता रही थी नसों के बारे में, तो नसों के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके सिर में हमेशा दर्द होता रहता है, बार बार आपको माइग्रेन की दर्द होती रहती है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूलने लग जाते हैं, जैसे आपने घर बंद कर दिया, चाबी कहीं पर रख दी और भूल गया कि चाबी आपने कहाँ पर रखी है, तो ये जो सारी समस्याएं हैं ना, जब तभी होती हैं जब हमारी नसें कमज़ोर होने लग जाती हैं। कभी कभी हमें चिड़चिड़ापन होने लगते हैं, छोटे छोटे बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं, तो ये भी जो लक्षण है नसों के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। कभी कभी आप एक जगह पर बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, और आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, और वहाँ पे भारी भारी जैसा महसूस होता है, चींटियाँ काटने जैसा, चुभन जैसी दर्द होती है, बहुत तीव्र तेज दर्द होती है, तो ये भी नसों के कमज़ोर होने के ही लक्षण हैं। आपको अगर लगातार ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं, साथ ही साथ आप रात में सो रहे हैं, पैर में अचानक से दर्द होने लग रही है, तो ये भी नसों के कमज़ोर होने की वजह से है। ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है, और क्योंकि हमारे शरीर कमज़ोर होने लगती हैं, जरूरी पोषक तत्व कम होने लगती है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। आपको इसके लिए विटामिन B12, मैग्नीशियम रिच डाइट, ये दोनों चीज़ें, विटामिन्स का ध्यान रखना है। उसके लिए होम रेमेडी भी मैं आपको बता देती हूँ, ये अगर आप इसका सही वक्त पर इलाज नहीं करें तो ये गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती हैं, बहुत लोगों में पैरालिसिस तक हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता देती हूँ, उसमें सबसे पहले आपको लेना है एक हल्दी की गांठ। हल्दी का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्दी बहुत अच्छा काम करता है शरीर में सूजन को दूर करने में, नसों को खोलने में, डिटॉक्स करने में, शरीर को साफ करने में, खून को साफ करने में, लेकिन जो कचरा है उसको निकालने में, लेकिन मैं फिर से लेकिन बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि जो पाउडर होता है वो प्योर फॉर्म में मिल रहा है या नहीं हमें नहीं पता, मिलावट बहुत है अभी आजकल। गांठ लेकर आइए, गांठ को कूट कर घर में ही पाउडर बनाना है। दूसरी जो सामग्री लेनी है वो बड़ी इलायची लेनी है, बड़ी इलायची बहुत आसानी से घर में उपलब्ध होती है, खाने में इस्तेमाल होती है स्वाद बढ़ाने के लिए, इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको इसके कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप इसे तेल में फ्राई करके खा लेते हैं तो इसका नुकसान तो नहीं बट फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, बड़ी इलायची एक लेनी है, हल्दी है, गांठ, दोनों को कूट लीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बनाकर रख लें। 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम तक की ये पाउडर होगी और ये आपको 5 से 6 दिनों तक काम आएगी, फिर आप उसको दोबारा बनाएं। 5 से 6 दिनों से ज़्यादा आपको ये नहीं रखनी है एक बार में बनाकर। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो आपको एक बर्तन ले लेनी है, उसमें 2 ग्लास पानी डाल देना है, पानी को उबाल लीजिए और इसमें आपको डालना है अजवाइन, ओमम सीड्स जिसे हम बोलते हैं, अजवाइन आपको डालना है कितना, आधे चम्मच, यानी हाफ टी स्पून आपको अजवाइन डाल देनी है, और उसके बाद आपने जो भी चूर्ण बनाकर तैयार किया है उसमें से आपको सिर्फ 3 चुटकी, यानी 3 पिंच आपको डालनी है, 3 ग्राम्स के बराबर आप उसमें डाल दीजिए जो हमने भी चूर्ण तैयार किया है, और उसको आपको
उसमें आपको फिर से तीसरी चीज जो डालनी है वो सौंठ का पाउडर, अदरक नहीं लेना है, सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर को बोलते हैं, सूखा हुआ अदरक को बोलते हैं, उसमें आपको 3 चुटकी ही सिर्फ डालनी है, क्योंकि ये सारी चीजें गर्म तासीर की होती हैं, तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हमें नहीं करनी है। तो अब इसे हमें ढककर पकाना है लगातार 7 मिनट के लिए, आपको मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाना है। आपकी अगर नसों के ब्लॉक होने की वजह से, हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, सांस फूलती हैं, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में सांस फूलती हैं, पसीना आता रहता है, मन घबराता रहता है, स्ट्रेस एंजाइटी की समस्या है, बार बार टेंशन होती है, किसी भी बात को लेकर परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, तो ये सारी कुछ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपको वेरिकोज वेन की समस्या है, नसें ब्लॉक हो रही है, नसें बाहर की तरफ खींच के आ रही हैं, बल्जिंग हो रही हैं, तो वहां भी आपको इसमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे छान कर एक कप में निकाल लेनी है और आपको इसे खाली पेट लेनी है, सुबह सुबह बैठ कर लेनी है, सिप सिप करके पीनी है, खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं पीनी है। 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, एक जगह पे लगातार आपको 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठनी है। अगर आप कोई बैठ कर काम करते हैं, बार बार अपने पोस्चर को चेंज करें, बीच में आप आधा घंटे के लिए बैठे हैं और फिर वॉक आप कम से कम 2 मिनट के लिए भी वॉक कर लें, टहल लें, वापस से आके बैठ जाएं, एक जगह पे लगातार आपको नहीं बैठना है। सोने वक्त खासकर आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल सीधा होकर सोना है, ऐसे नहीं सोना है कि आप अपने हाथ को दबाकर सो रहे हैं गर्दन के नीचे, या फिर आपकी हाँ पैर दब रही है किसी चीज़ से, इस तरह के भी ऐसे भी करने से ये समस्या जल्दी उत्पन्न होती है। रात को लेट नाइट आपको खाना नहीं खाना है, जैसे कि कोशिश करें कि आप 7:30 यानी 7:30 के बाद खाना नहीं खाएं। अगर आप 7:30 खाना खा रहे हैं तो उसके बीच में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए सोने से पहले। अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और सोने जाते हैं तो भी ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं जिसमें ऐसा होता है कि आप रात में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और इसकी वजह से सांस फूलने लगती हैं, वात की समस्या उत्पन्न होती हैं, और बहुत सारे केस में वात की वजह से हार्ट तक की समस्याएं, हार्ट अटैक की समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, मीठी चीज़ों से ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी है, बचना है। मीठी खाने का अगर क्रेविंग होता है तो मेथी के दाने का पाउडर आप हमेशा फांक लिया करें और गुनगुना पानी पी लें, इससे आपको आराम मिलना शुरू होगा। बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, भूख लगती है, बार बार खाने का मन करता है तो पानी पी लें, क्योंकि हमारा दिमाग पानी और खाने में डिफरेंस नहीं कर पाता है। और आप सौंफ खाने के बाद, अगर सौंफ खाने की आदत डालें, आधा चम्मच यानी दिन में कम से कम 2 चम्मच छोटे चम्मच से सौंफ जरूर से खाएं, तो इससे आपके वजन भी कंट्रोल होगा, संतुलित होगा और आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको मुझसे पूछना है, कोई भी क्वेरीज है, परेशानी है, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिल देन बाय बाय।